रुद्रप्रयाग से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में आधी से अधिक सड़कें 20 से 25 सालों से जर्जर स्थिति में थी। स्थानीय जनता भी लगातार सड़कों के सुधारीकरण को लेकर आवाज उठाती रही। इन सभी सड़कों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। इससे जनता को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। जनपद की 3 मोटर मार्गों के डामरीकरण का शुभारंभ स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने किया। इस अवसर पर जनता ने विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष व जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने ललूड़ी ग्राम सभा की मसाण सोंड तोक तक सड़क निर्माण को जिला योजना में रखे जाने और अपनी पंचायत निधि से 3 लाख रुपए महाविद्यालय गेट निर्माण के लिए देने की घोषणा की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि और साथ ही साथ अपने जो लोक निर्माण मंत्री हैं माननीय सतपाल जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की बहुत सारी सड़कों को उन्होंने एक साथ स्वीकृति प्रदान की है। और उसी कड़ी में आज हमने जो घरणा मखेत जो आश्रम घरणा मखेत वाली सड़क है उसका भी यहाँ पे शुभारंभ किया। उसी के साथ जो महाविद्यालय वाली सड़क है उसका भी यहाँ पर शुभारंभ किया। और क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन सभी सड़कों के डामरीकरण की मांग करती आ रही थी। दोनों सड़कों का डामरीकरण आज यहाँ पर प्रारंभ का कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ होगा। उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी लंबे समय से इन सड़कों का यहाँ पे डामरीकरण का कार्य होना था, लेकिन आज हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत ही प्रयासों से इस डामरीकरण का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा। और इसमें हमारे क्षेत्रवासियों में बहुत ही उल्लास है, क्योंकि काफ़ी समय से ये रोड कट चुकी थी लेकिन डामरीकरण नहीं हुआ था। तो इसमें माननीय विधायक जी का धन्यवाद।